नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज मैं गीर गाय के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। ब्राज़ील ने कैसे गीर गाय को लेकर आज बहुत ज़्यादा बहावी ले रहा है, इसी बारे में मैं आज बात करूँगी। देखिए, जब से ब्राज़ील ने गीर गाय भारत से लेके गया था, वो समय में 20 लीटर या 15 लीटर 20 लीटर गाय देता था। अब मीडिया में हो, बहुत मीडिया से हम जानने पा रहे हैं कि ब्राज़ील में आज जो गीर गाय गया था बहुत दिन के पहले, वहाँ पे अब वो 50 लीटर दूध देने की क्षमता रखती है। इसलिए भारत की कहीं वक्ता, कहीं गुणी, कहीं ज्ञानी व्यक्ति और गवर्नमेंट और सरकार वो चाहते हैं ब्राज़ील से वो जो गीर जो 50 लीटर दूध देती है, इसकी ब्रीड वहाँ से भारत लिया जाए। इससे मैं प्रश्न उठाना चाहता हूँ, गुरुजी स्वामी चिन्मयानंद जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का अभी जो गौशाला का मुख्य परिचालक है, वो जो बोलते हैं सही बोलते हैं। वो बोलते हैं, हमको दूसरी थाली की लड्डू बहुत ज़्यादा दिखता है, बड़ा दिख जाता है। जैसे बगीचे के दूसरे साइड में जैसा लगता है वो वहाँ बहुत हरियाला है, जैसे दूसरी की पेड़ में ज़्यादा बड़ी नारियल है, दूसरी की सब अच्छा है, हम तो हमारी कुछ अच्छा नहीं है। इसी तरह हमको देखना चाहिए हमारी नज़र जो है इससे थोड़ा अच्छा करना चाहिए, क्योंकि हमको लगता है दूसरी की चीज़ बहुत अच्छा है। इसी तरह हमने गीर गाय जो ब्राज़ील ले गया था बहुत दिन के पुराने ब्राज़ील, हम इसमें प्रश्न उठता है, वो जो गीर गाय ले गया था क्या अभी वो शुद्धता है? मैं सुन नहीं पाता हूँ, वहाँ ग्रीनलैंड एक क्रॉस ब्रीड वो तैयार किया है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। क्या वो जो ग्रीनलैंड है, क्या इसकी नस्ल जो भारत के बहुत पुराने समय से लेके गया था वही है कि दूसरा है, हमको कैसे पता? इसी तरह हम गलती करने, हमारा गवर्नमेंट, हमारा सरकार, जो हमारा विज्ञान जो बोलते हैं सब चैनल में, टीवी चैनल में, न्यूज़ चैनल में बोलते हैं, ये हम फिर से गीर गाय लाना चाहते हैं, ब्राज़ील का जो ब्रीड है वहाँ से लेना चाहते हैं। इससे मैं प्रश्न उठ चाहता हूँ, क्या हम गाय को एक दूध देने की मशीन समझ रखा है क्या? ये गलती मत कीजिए, क्योंकि हमारा नस्ल जो गीर अभी है वो करीबी 25 लीटर से 30 लीटर दूध देता है। इतना आपने सोचिए, जब एक गाय 25 लीटर से 30 लीटर देता है तो इसमें कितना आदमी चल जाएगा, कितना परिवार चल जाएगा एक दूध में? इस दूध में कम से कम 5 आदमी का परिवार जब 2 लीटर या 1 लीटर दूध लेता है तो कम से कम 25 परिवार, 25 परिवार चल जाएगा। हम आज देखते हैं, आज की जो कल कारखाना हुए, जंगल कट रहे हैं, वर्षा की अभाव हो रहा है, बारिश की, इसकी एकमात्र प्रभाव है गाय जो गौ माता का अभाव जनित ये सब हो रहा है, क्योंकि गौ माता जहाँ विचरण करता है वहाँ से बहुत अच्छा अच्छा
गुण निकलता है जो बारिश में लाने के लिए सहाय करता है। वहाँ पे प्रश्न उठता है क्यों दूसरा जब जर्सी ब्रीड लाया गया था, अब वो हमारी गांव पे जो देसी गाय है उसके देखने के बदल पे हम जहाँ देख रहे हैं जर्सी गाय होलिस्टिनी HF, जहाँ देखोगे देसी गाय अब नहीं है कोई। जो 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 जर्सी गाय के जो नंदी बोलते हैं घूमते हैं इसका ब्रीड 4 हो गया है। इसी तरह मैं आज बोलना चाहता हूँ, हम कभी हमारी नज़र में दूसरी की थाली की लड्डू बड़ा है इसे देखना चाहिए, हमारा थाली में जो है वही अच्छा है, क्योंकि हमारा जलवायु में जो बढ़ना है जो चीज़ है वो बहुत अच्छा है। हमारा देश जो गलती पहले से किया था, जो क्रॉस ब्रीड ला के जो हमारा नस्ल को ख़राब किया है, वो आदमी को लोगों को समझाने के लिए बहुत देर हो जाएगी, लोग भी समझते नहीं है क्योंकि इनकी ज़्यादा मिल्क चाहिए, वो समझते नहीं है A2 मिल्क क्या है और A1 मिल्क क्या है, इसके फ़र्क उनको नहीं पता। इनको पता है सिर्फ हमारा दूध कितना चाहिए, हमका प्रॉफिट कितना चाहिए। इसी तरह जो बोलते हैं स्वामी चिन्मयानंद जो बोलते हैं वो बहुत अच्छा बोलते थे, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वो बहुत अच्छा बोलते हैं। मैं यह बोलना चाहता हूँ हमारा जो अभी जो गिर गाय है वो जो 20 लीटर से 25 लीटर जो 30 लीटर जो दूध देता है वो बहुत अच्छा है। हमको और ज़्यादा दूध देने वाली गाय नहीं चाहिए, गोमाता नहीं चाहिए, क्योंकि हम अच्छा अच्छा नंदी हमारा है, वही नंदी दूसरे पीढ़ी को और ज़्यादा दूध बढ़ाएगा। जब हम सोचिए भारत में अब करीब करीब 130 से 140 कोटी लोग 140 कोटी लोग अब जनसंख्या हमारा है, हिसाब कर दिए जब हम सभी का घर में एक एक गाय रहेगी तो हमारा भारत फिर से स्वर्ण भारत हो जाएगा। इसीलिए मैं हमारा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक जी और हमारा देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात बोलना चाहता हूँ, वो हमारा देश को जब पटरी में लेना चाहते हैं तो वो बुलेट ट्रेन हो ये सब नहीं चाहिए, बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा देश में जो गोमाता जो है वो कहीं ज़्यादा बुलेट ट्रेन से कीमत है इनकी, वो बुलेट ट्रेन के पीछे ना भागिए। बार बार आप जो वो घूमते हैं कभी अमेरिका कभी इटली कभी ब्राज़ील ये से घूमना नहीं चाहिए। हमारे देश में आप ऐसा करो, हमारी जो चाहते आप हमारा देश को क्या चाहिए, धन चाहिए क्या चाहिए, नहीं ऐसा नहीं है। आप हमारा देश जब प्रगति चाहते हैं तो ऐसा सोचिए कि हर घर की आंगन में हर घर की गौशाला में कम से कम एक गाय बांधना चाहिए, वो देसी चाहिए, गिर चाहिए, साहीवाल हो, जो भी, ऐसे भारत स्वाभिमान हो जाएगी। लेकिन ये बुलेट ट्रेन से क्या, देखिए आप बोलते बहुत इंटरनेशनल कंपनी को देते हैं जो हमारे यहाँ के ऐसे बिजनेस कीजिए, इससे क्या होता है, क्या भारत की जो आदमी है इसका गरीब हट जाता है, नहीं गरीब बढ़ता है, रोग बढ़ते हैं, क्योंकि जो कल कारखाने के जो धुएं होते हैं इसमें ज़्यादा प्रदूषण होता है। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ देसी गौ माता पे फोकस कीजिए, जो जर्सी HF होलिस्टीन इस ब्रीड को बंद कीजिए।
और A2 मिल्क को बढ़ावा दीजिए। देखिए आप पुराने जमाने अभी से आप करीबी 10 साल पीछे जाइए, कहाँ का डायबिटीज था, हार्ट था, ब्लड प्रेशर था। अभी देखिए कॉमन रोग, कॉमन बर्तन, ये जो 3 रोग है कॉमन हो गया है, हर आदमी की होता ही होता है। अब 100 आदमी से करीब करीब भी 99% को ये 3 रोग हो चुका है। इसका वजह क्या है? इसका वजह है हम जो खाते हैं इसको कोई गुणवत्ता नहीं है। हम तो पीते हैं भैंस या जर्सी HF की दूध पीते हैं, तो इसमें हमारा रोग प्रतिशत को बढ़ेगी किस? इसी तरह हम बाहर की कौन सी देश से, हमको कोई कंपनी नहीं चाहिए, कोई बिजनेस नहीं चाहिए। हमारा देश जब गाय बढ़ेगी तो हम उसी देश से नहीं जाएंगे, हमारा पेट्रोल डीजल वहीं से हो जाएगा, जो गोबर गैस से हमारा बाइक चलेगा, वो ट्रक चलेगा, सब चलेगा। इसी तरह फोकस कीजिए, कोई देश घूमने से कोई बड़ा प्रधानमंत्री नहीं हो जाता, देश की सेवा करने से होता है। जब हमारा घर को भूलकर दूसरी के बोलते हैं वो अच्छा नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो भूल जर्सी फिजियन और ब्रीड को लाकर हमारा देसी, हमारा गांव में, अब हमारा गांव है दांड मुकुंदपुर 5 मास 10 साल ओडिशा के पुरी जिले में है, वो इंडिया का उड़ीसा के पुरी जिला में है। वहाँ पे एक भी देसी गाय नहीं है गांव में, एक भी। क्यों? आदमी ने गोबर के हाथ धोने के लिए कुंठित होते हैं, क्यों? मैं बोलना चाहता हूँ आप कभी ऐसा गलती मत कीजिए। ब्राज़ील जो है वो ब्राज़ील है, ब्राज़ील अभी जो 50 लीटर दूध देने वाली जो गिर गाय को 50 लीटर दूध देने वाली जो गिर गाय को विकसित किया है, क्या वह उसी में हमारी पुरानी गिर गाय का वंश है या कोई क्रॉस ब्रीड है? इस क्वेश्चन में हमको ब्राज़ील से गाय लेने के लिए नहीं चाहिए, गिर गाय नहीं चाहिए, ब्राज़ील का गिर गाय, हमारा यहाँ पे जो गिर गाय है वो बहुत अच्छा है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय गो माता, जय जगन्नाथ। मैं आप सभी को देखने वाली को रिक्वेस्ट करता हूँ, संजीव दास, मेरा यूट्यूब चैनल संजीव दास BGSSSPS, विश्व गो सुरक्षा, विश्व गो माता सुरक्षा, स्वच्छ सबुज परिवेश संघ को आपण मैंने सब्सक्राइब करूँ, एवं आप सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली जो बेल को स्पॉट कीजिए, हिट कीजिए। इसी तरह आपको मेरी वीडियो सबसे पहले आ जाएगी आपके मोबाइल में। जय जगन्नाथ, जय गो माता, भारत माता की जय।